राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सावन मास की सप्तमी के दिन तुलसीदास जी की जयंती मनाई जाती है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और मां का नाम हुलसी था। वे अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे। माता पिता ने अशुभ जानकर जन्म के समय ही तुलसीदास जी को एक दासी के पास छोड़ दिया। इन्हें एक दासी ने पाल पोसकर बड़ा किया। कुछ समय पश्चात दासी की भी मृत्यु हो गई। बाद में पता चला कि उनके माता पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। बालक तुलसी अशुभ ग्रहों के कारण उन्हें कोई भी अपने पास नहीं रखना चाहता था। इस प्रकार भटकते भटकते तुलसीदास जी की भेंट एक संत बाबा नरहरि दास से हुई। अब तुलसीदास उन्हीं के पास उनके आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। बचपन में परिवार का सुख उन्हें नहीं मिला। जब इनका विवाह हुआ तो इन्हें परिवार मिल गया और यह पत्नी के प्रेम में डूब गए। इनका प्रेम कब आसक्ति में बदल गया इन्हें भी एहसास नहीं हुआ। उस समय तुलसीदास जी का नाम राम बोला हुआ करता था। वे एक साधारण व्यक्ति थे। एक बार जब उनकी पत्नी मायके चली गई तो तुलसीदास जी का मन उनके पत्नी के बिना नहीं लगा। मूसलाधार बारिश हो रही थी। तुलसीदास जी रात्रि में ही उफनती नदी में एक शव को पकड़कर नदी पार करके ससुराल वाले गांव में पहुंच गए। रात्रि अधिक हो जाने की वजह से ससुराल का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। पत्नी से मिलन की ऐसी दीवानगी थी कि बंद दरवाजा भी उन्हें नहीं रोक पाया। तुलसीदास जी को मालूम था कि उनकी पत्नी का कमरा किधर है, तो उस कमरे में खिड़की खुली थी। खिड़की पर उन्हें एक रस्सी लटकती हुई दिखाई दी। वो उस रस्सी को पकड़कर कमरे में प्रवेश कर गए। परंतु जब बाद में उन्हें पता चला कि वो रस्सी नहीं, एक सांप था जिसकी मदद से वो कमरे के अंदर आए। तुलसीदास जी को कमरे के अंदर पाकर उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लोक लाज का डर सता रहा था। साथ ही परिवार के सदस्य उन्हें क्या कहेंगे कि मुख्य दरवाज़ा बंद है और तुलसीदास जी दीवार फाँध कर रस्सी की मदद से कमरे में पहुँचे हैं, तो उनकी पत्नी अपने पति के ऊपर बहुत क्रोधित हुई। क्रोध में उनकी पत्नी ने अपने पति राम बोला से कहा, हाड़ चाम की देह मम तापर ऐसी प्रीति, तसु आदि जो होत राम पर मिट जाती भव भीती। अर्थात मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से आपको इतनी प्रीत है, यदि इसकी आधी भी राम से आपकी प्रीति होती तो आपके समस्त संताप मिट जाते। यह वचन तुलसीदास जी को अंदर तक लग गए। वे उसी क्षण घर त्याग कर काशी व चित्रकूट में चले गए। वहीं उन्होंने 2 वर्ष 7 माह 26 दिन के अंदर अथक परिश्रम से रामचरितमानस नामक ग्रंथ लिखा। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली आदि भी इन्हीं के प्रमुख ग्रंथ हैं। रामचरितमानस ने तुलसीदास जी की कीर्ति को 4 चांद लगा दिए। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण शुक्ल सप्तमी को गंगा के किनारे संवत 1680 में उनकी मृत्यु हुई। उन्हीं के पावन स्मृति में सावन शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई जाती है।